6 जून श्री हरिमंदर साहब घल्लूघर दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तुहानू दस दईए अज तो 38 वरे पहला 1984 श्री हरिमंदर साहब उत्ते अटैक होया सी ते कई सिख शहीद हो गए सन। खालिस्तान की मंग नू लैके अज दल खालसा वल्लों लारेंस रोड तो एक आजादी मार्च कढ़िया गया जिहदे विच कई सिख संगठन भी शामिल होए। इस मार्च में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए ते केंद्र सरकार नू काफ़ी कोसिया गया। इस दौरान सिख जथेबंदियां ने लोगों को अपील की थी कि 6 जून वाले दिन अपनियां दुकानां ते तमाम व्यापारिक अदारे बंद रखना। कई सिख संगठन खालिस्तान बनाने की मंग कर रहे ने। इस दौरान भारी मात्रा दे विच सुरक्षा कर्मी भी मौजूद सन। दल खालसा जथेबंदी ने एक बहुत वधिया शलाघाजोग प्रोग्राम आरंभ किया है। हर साल ही दल खालसा जथेबंदी समागम करती है। इस बार उन्होंने सरदार सिमरजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और सिख यूथ फैडरेशन नाल लैके हम ख्याली नौजवान जथेबंदियों का सहयोग लैके सारी संगत नूं नाल लैके एक कौमी पीड़ा दे जिहड़े अज 38 वरे ने उस दर्द नूं लैके ये मार्च कढ़िया जा रहा। ये इंसाफ लई ये जागृति मार्च है। ये साडे रोह का जज्बा है। साडे रोह दे प्रगटावे ने। ये कौमी पीड़ा का दर्द आ ना भुलण योग ना बख्शन योग, जिस दे विच के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी नाल सहयोग कर रही है। सारियां जिम्मेवार संस्थावां नाल ने असी आपदी कौम का दर्द लैके चले हुए हाँ। असी इंसाफ मंगदे हाँ और दसना चाहुंदे हाँ कि सानू इंसाफ चाहिए। इत्थे मकसद के वेखो सिखां नाल इत्थे जुल्म होए अत्याचार होए। इस दिन नू लैके नौजवानों ने बगावतां कीतियां। सिख जवानी जेलों में रोल दिती। साडे सिख शहीद कर दिते। साडा तख्त रह गया। साडा जान तो प्यारा श्री हरिमंदर साहब ढा दिता गया। साडे हीरियां वर्गे सिख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले शहीद भाई अमरीक सिंह जी खालसा जनरल शबेग सिंह जी वर्गे सूरबीरां नू शहीद कर दिता। सानू फखर आ जो लड़के शहीद होए ने उन्हां हथियार नहीं सुट्टे। उन्हां ईन नहीं मन्नी। वो आपदे धर्म की रक्षा करदे होए आखिरी सह तक आपकी कौम जी आज़ादी लिए अपना एक एक साह आपकी कौम के लेखे ला गए। सरकार बेइंसाफी कर दिया ने। सरकार की कुटनीति है ड्रामे कर दिया ने। सब ड्रामे ने। इंसाफ की आस नहीं इन्हों तो रखी जा सकती। दोवें रल के ड्रामे खेडते सिखां नाल असी इन्हें भी यह ड्रामेबाजियां बंद कर साडे सिंह बिना शर्त रिहा कर साडियां शर्तां मंगा पूरियां कर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज तो 38 साल पहला हिंद हुकूमत दे वल्लों सिख कौम दे नाल 5 सदियां दा वैर कढ़न दे लई श्री दरबार साहब दे उत्ते टैंकां तोपां बंबां मशीन गन्नां हवाई जहाजां दे नाल हमला करके श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं ढह ढेरी कर दित्ता गया तां जो सिख कौम दे स्वै मान नूं रोलिया जा सके। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालिया ते उहनां दे जुझारूआं नूं खत्म किया जा सके। सो इस हमले नू ना तो कौम कदी भुलीए ते ना ही असी जिहड़ा कदी भुलांगे। जदों हिंद हुकूमत ने दरबार साहब उत्ते जिहड़ा हमला वो कर दिता उदों सिखां दा भारत दे नालों जिहड़ा नाता आ वो टुट चुका सी। अज सिख कौम की आज़ादी के लिए संघर्षी रहा। अज दल खालसा सिख यूथ फैडरेशन भिंडरां वाला श्रोमणी अकाली दल अमृतसर आदि जथेबंदियों वालों ये जिहड़ा मार्च आ वह कढ़िया जा रहा आ तां जो असीं अपनी कौम नूं भारत रूपी पिंजरे दे विचों जिहड़ा आज़ाद आ वह करवा सकीए। सो तुसीं देख सकदे हो कि अनेक बजुर्ग बीबियां नौजवान जिहड़े इस मार्च दे विच जिहड़ा हिस्सा आ वह लै रहे आ। सो श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े दे उत्ते भारत सरकार वल्लों ये जिहड़ा हमला आ वह किया गया। सो सरकार जेकर सचमुच सहिरद होंदी तां वह धर्म युद्ध मोर्चे दीआं जिहड़ीआं मंगां सी वह मन लईआं जांदीआं पर मंगां मन्नण दी बजाए कौम की नसल खुशी जिहड़ी आ वह की गई उसनूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। तो जिहड़े लीडर बयान देंदे आ कि 1984 नूं भुल जाओ इहदा मतलब ये आ कि असी एक होर नसल खुशी नूं जिहड़ा सद्दा आ वह देना चाहुंदे आ। सो इस नसल खुशी नूं कदे भी नहीं भुलाया जा सकता। तुसीं देखदे हो कि जिहड़ा जिहड़े हिंदू लोग आ वह अज तक रावण नूं नहीं भुल्ले। सो असी 1984 अजे कल दीआं गल्लां उहनूं असी किवें भुल सकदे आ। तो हाले भी साडे उत्ते लगातार जुल्म धक्के बेइंसाफियां लगातार जारी आ। सो इस बेइंसाफियां नूं अते गुलामी तों बचण दे लई असी आज़ादी प्राप्त करन दे लई संघर्षी दे आ। ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ।
देखो भारत का यह कानून आ कि जां 14 साल की उम्र कैद होंगी जां 20 साल की जिहड़े खास कैदी उन्हां दे 20 साल पर सरकार ने जान बुझ के सिखी स्वै मान नूं रोलण दे लई उन्हां योधियां की अणख नूं मारन दे लई जां सानूं सबक सिखाउण दे लई हाले तक भी बंदी सिंघां नूं जिहड़ा आ जेलां दे विच नज़रबंद करके रखिया होया आ। इस तों इह पता लगदा आ कि बहुगिणती दे लई कानून हो रहा ते सिखां दे लई जिहड़ा हो रहा ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਆ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਿਸ, ਪਿਓਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ
संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वालिया ने जो समझाया सी भी कौम नू जिहड़ी हैगी आ मानसिक गुलामी लाउणी पैणी आ, तां इस करके कदे भी खालसा पंथ दे विच कदे कोई ये गल नहीं कही जा सकती भी कोई एक जिहड़ा पर्टिकुलर हैगा। खालसा राज बहुत वाइड है, यह पूरा वर्ल्ड वाइड है, उहदी कोई इहनू किसे सीमा दे विच बन्न के नहीं रख्या जा सकता। तो ये जो थोड़ा जो सवाल है ना, इस नाल मैं सहमत नहीं हाँ। एक मेरे वालों होर सवाल है, जिमें कि कई साल हो गए, कई चिर हो गया बंदी सिखा की रिहाई ले संघर्ष करते हैं, पर उन्होंने अजे तक रिहा नहीं किया जा रहा, उन्होंने सजावं भी पूरी हो गई ने कित ना कि, उन्होंने अजे भी पैरोल पर नहीं भेजा जा रहा। एक दूजे पास जिते एक जिन्हों सिरसे वाला बाबा भी कह दें क्या जाता, उन्होंने पैरोल पर दे दी जाती है, उन्होंने खेती करने पैरोल दी जाती, पर बंदी सिंह अजे तक नहीं रिहाई की गई। ये ना जिहड़ियां डीप स्टेट दियां पॉलिसियां हुंदियां जो स्टेट नूं फिट बैठता है, ठीक है ना जी, हमेशा उन्हां नूं पुश्त पनाई की जाती है, जो स्टे जो जो जिन्हां तों स्टेट नूं खतरा लगता उन्हां वास्ते कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, वह आपदियां सजावां भी पूरियां कर लैण तां वी उन्हां दे अंदर रहिंदे आ। तां इह तुहाडे सामने प्रतख हैगा बंदी सिंघां नूं, वह आपदियां सजावां तों वी वध पूरियां कर चुके आ। दूजे पासे तुसीं जिन्हां दा नां लिया सी उन्होंने परोलों भी दिखाई जा रही हैं, पर क्यों दिखाई जा रही हैं, क्योंकि बिल्कुल हैगा ये इस करके तो जोड़ा है वार बार जड़िया गल् मतलब इस तरह दियाँ वापर दियाँ। देखो जोड़ा अपना कंट्री है ना, इतने डायवर्सिटी है, ये यूनियन ऑफ इंडिया, ना कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक धर्म की जी जगह है। डायवर्सिटी मीनस हर एक आपदा रहन, हर एक नूं आपदा पहनण, हर एक नूं आपदा बोलण, ते हर एक नूं आपदे धर्म की जिहड़ी हैगी आ आपदे आस्था अनुसार जिहड़ी हैगी उह मतलब पूजण दा उहनूं अधिकार आ, ठीक है ना, उहनूं उहदी जिहड़ी हैगी आ उहदा जो भी मतलब जिवें करदे असीं खालसा असीं गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी हैगी आ गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदे आ सारे, जिहड़ा सिख धर्म है गुरु ग्रंथ साहिब साडे जागदी जोत है, है ना, उहदे असीं सिद्धांतों पर असी जिहड़ा खालसा पंथ हैगा वह खड़दा। तो ये कदे भी जिहड़ा हैगा किसी एक पर्टिकुलर जिहड़ी चीज़ नूं कोई जगह नहीं दित्ती जांदी, ये जिहड़ी डायवर्सिटी नूं जदों खतरा हुंदा उस तरह जिवें होंद नूं खतरा, एग्जिस्टेंस नूं खतरा है, तो उदों इहो जिहियां गल्लां स्टेट कर जिहड़ियां हैगियां स्टेट वधा के कराउंदी है। क्यों कराउंदी है, क्योंकि उन्होंने जिहड़े बंदे है हुण जिहड़े बंदे बंदी सिंघां दी गल कर लईए, तो बंदी सिंघां नूं क्यों इन्ना चिर उन्होंने वितकरा किया जा रहा, तो दूजा नूं क्यों जिहड़े वह क्यों की है कि उन्होंने स्टेट नूं वह फिट ने जिहड़े जिन्हां दी वह उन्होंने छड़दे आ उन्होंने तो वह पालदे आ, है ना, तो जिहड़े इन्होंने जिन्होंने आपदी आजादी की गल की जां कुछ उस तरह का किया तो उन्होंने वितकरा किया जाता है। मतलब कह लो कि अपने हक की आवाज़ उठाने वाले नूं अंदर बंद कर दिता जाता, ये इस तरह ही जे मान लो कहा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा भी चलो वो भी है बिल्कुल तुहाडी गल सही दुरुस्त है भी जो हक की आवाज़ उठाऊगा जो स्टेट नाल बोलूगा वो जिहड़ा हैगा उन्हूं अंदर कर दिता जाता। दूजी गल ये है भी पैरिटी, ठीक है ना, इक्वलिटी, इक्वलिटी किधर गई जदों आपकी सज़ा कोई पूरी कर जाता उन्हूं क्यों नहीं छड़दे उत्थे, फिर इक्वलिटी क्यों नहीं, वो दूजा ले कानून होर है तो इन्हां लई कानून होर क्यों है। इस करके कानून दे विच जिहड़ी ये पक्षपात वाली नीति है ना उस करके जिहड़ा इहो जिहियां गल्लां हुंदियां, तो इस करके जो मतलब हमेशा तो ही ये हुंदा आया, क्योंकि जदों किसे कौम दी होंद जां उहदी एग्जिस्टेंस ते कोई गल आउंदी है तो उदों इहो जिहियां गल्लां हुंदियां। तो जो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दे वक्त उन्होंने कौम नूं यह गल समझाई सीगी भी भाई तुसी जो लोग गुलाम हो, देखो जिहड़ी फौज हुंदी है वह बॉर्डर ते लड़न वास्ते बनाई जाती है, तो वह फिर किसी धार्मिक स्थल ते हमला करन वास्ते थोड़ी बनाई जाती है। हुण उत्थे कई कह दिंदे उन्हां दा यह देणगे भी संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले दरबार साहिब च हथियार लैके चले गए, हुण मन लो जे मन लो यह भी गल उन्हां दी इह कर लईए ते हथियार दे बाकी जिहड़े 32 गुरद्वारे होर सीगे उन्हां ते बाकी जदों कोई साडे धार्मिक स्थल दे उत्ते आ के हमला करूगा तो फिर वह असी जो आपदी प्रोटैक्शन तो असी आप करनी है ना, तो उहदे च जिहड़ा स्टे इस स्टेट दियां यही कर रही है ना भी उन्हां दे मत्थे ही मढ़ दिओ इह जिहड़ा जिहड़ा भी दोष हैगा, तो ये इस करके जिहड़ा इस तरह के बिरतांत है ना वह स्टेटां सिरज के
जान बुझ के किसी संघर्ष को बदनाम करने मारे तो वह आपदियाँ मीडिया भी उस हिसाब नाल खबरों को प्रचलित करता है। जो थोड़ी कोई स्टेट के खिलाफ जाती है तो थानू भी अजकल वह भी कर लेंगे भी इन रेंज घटा दो जो होर घटा दो जब चैनल है तो यह गल है जी। मार्च 6 जून के संबंध जरा एक तो लैके 1 जून साढ़े बबर खालसा दे मैं बबर खालसा बिलोंग करता मैं कोई डर के गल नहीं करता साडा पहला शहीद बबर खालसा का महंगा सिंह बबर साढ़े शहीद होए बोले तो निहाल। उस तो बाद 1 तो लैके 6 जून तक जो वर्तारा किया भारत सरकार ने वो किसी तो लुकया नहीं हैगा वा। देखो ये जो दर्द हैगा वा 6 दिन का दर्द ये 36 साल हो चले आ इन्हां सरकारां इन्ना नहीं पचता कि ये जड़े अपने दुख की घड़ी के 6 दिन कढ़ते ये भी नहीं चंगी तरह कढ़न देंदे। कोई शिवसेना वाला कोई अपना पंगा पा के बह जांदा कोई अपने रंडी रोने शुरू कर देंदे हैगे आ। दस पहली गल तो मैं ये पुछदा सरकारां नूं कि सिर्फ सिख कौम ही तुहानूं नज़र आउंदी आ सिर्फ कमेंट्स करन वास्ते सिख कौम दे विच ही कदी अपना खालिस्तान दे मुर्दाबाद दे नारे लाउणे कदी कुछ करना कदी भिंडराले नूं संतां नूं कोसदे किहड़ी गल्लों अदालत दे विच कोई केस नहीं संतां दे खिलाफ कोई उन्हां दे रिपोर्ट नहीं हैगी ते फिर वो कितना अतवादी हो सकदे पहला मैनूं दसो अतवादी अतवादी हुंदा ना बंदा जे उहदे उत्ते एलीगेशन कोई लगदा होवे। जे सोची समझी स्कीम ना भारत ने जे सोचिया वा कि सिखां नूं गुलाम रख लांगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲ ਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।